था ना सामने तुम्हारे लाल को तुम तो गाली दे दूं सवाल पे। हेलो इस तो वो भी है लाल फोड़े इसके किल फीड वाले तुम भी दिखाओ सर दो तरीके से। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई साहब आज जैसे मैं लॉबी में आया वहां मेरे सामने आता है एक ब्लड रेवन एक्स सूट और जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं वो भाई साहब बदल बदल के अपने एक्स सूट दिखाता है और चैलेंज करने लगता है कि भाई मेरे पास ये एक्स सूट है और दम है तो चलो भाई आ जाओ फाइट करते हैं। तो गाइज आज होने वाला है एक्स सूट वर्सेस एक्स सूट का ये महा मुकाबला और सूत्रों से हमें पता चलता है कि वो बंदा नोवो में ही आया है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले भाई साहब गन की तलाश और उसके बाद में अब जैसे हम लोगों को पता चलता है कि इधर फाइट वाइट चल रही तो हम लोग सीधा घुस जाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग पे तो चलो गाइज यहाँ पर एक स्क्वाड तो फिनिश हो चुकी है लेकिन अब उस एक्स सूट वाले बंदे को हम लोगों को ढूंढना है। और गाइज हाँ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और अच्छी लगे तो एक लाइक ठोक देना इस वाली वीडियो का। लाइक टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स एंड अगर कोई भी चैनल पर है तो भाई हिट दैट सब्सक्राइब बटन 2 मिलियन नहीं होके दे रहे। अब देखो इधर की तरफ से भी आप लोग गन फाइट के साउंड आ रहे हैं जैसे इधर आते अब जैसे हमने इस वाले बंदे को मारा तो हमें यहाँ पर फिर पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं बचा है। पता नहीं वो एक्सूट वाला बंदा कहाँ है या फिर कहाँ नहीं है लेकिन तभी इधर से एक यूएस निकल के जाती है। मे भी शायद कोई अपनी टीम को रिकॉल करने के लिए गया होगा इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले उसे रोक पाएं और जब हमें पता चलता है कि अब तो वो हाथ से निकल चुका है तो बस हम गाड़ी उठाते हैं और सीधा रिकॉल टावर ही ठोक देते हैं क्योंकि अब यहीं आके हमें फाइट मिल सकती है। अब जैसे ही आए भाई अब हम लोगों को लगे कि यहाँ पर कोई बंदा है तो मैं ग्रेनेड की पिन खींच के उसको फेंकने वाला था तभी पता चलता है कि एक बॉट है। बट 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 रुको अभी असली बंदे भी यहीं पर है। डीपी वाला है घरों में अब ये डीपी वाला बंदा मतलब पहले डीपी चला रहा था लेकिन बाद में से रोक दिया और यहाँ मैंने ग्रेनेड फेंक दिया। पता है मैं चाहता था कि वो अपने टीममेट को रिकॉल कर दे क्योंकि इसको तो हम लोग बड़े आराम से मार देंगे। अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक फिनिश किया उसके बाद में इसके जो टीममेट रिकॉल हो चुके थे अब आने ही वाले थे। आया आया इधर कूदा घर पे कूदा घर पे कूदा रितेश भाई छत पे और ये भी ओपन ना कूदा नहीं सर ये सुना बहुत तरीके। चलो भाई कूदने वाले में से एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। अब जैसे इस घर में आता हूँ मुझे डाउट हुआ कि शायद सामने वाले रूम में कोई है और मेरे टीममेट ने बताया था कि छत पे कोई कूदा है शायद वो नीचे कूद के रूम में आ गया हो। जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ अब रिकॉल होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही है कि हाँ भाई यूज ही मिलती है। मैं भी इसी से परेशान हूँ। खैर अब जो भी है इन बंदों को मारने के बाद इनका लास्ट बंदा बचता है और यहाँ देखो मैं टीम में एक बंदे को बोलता हूँ कि वो गाड़ी लेकर घुमाता रहा है बाकी एक बंदा रश कर रहा है मैं इस पे गैंड फेंक रहा हूँ सीधा रश कर देंगे उसके बाद। लेकिन भाई रश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये बंदा ग्रेनेड से ही मारा गया। तो भाई साहब अभी तक तो आप लोगों को फाइट देख के बड़ा मजा आ रहा होगा लेकिन इसके बाद आपको एक ऐसी रिवेंज वाली फाइट देखने को मिलेगी जहाँ भाई साहब गाली गलौज सब चल रहा है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे तो मैं बस अपना बैग खाली कर रहा था ठीक है। अब जैसे ही मैं अपना बैग खाली कर रहा था तो जस्ट ये बंदा बैठा हुआ था हनी नाम का भाई अब जैसे से नॉक किया टीममेट रिवाइव देने आता है बट ये गेंद फेंकता है मैं हो जाता हूँ फिनिश। अब यहाँ से ध्यान से सुनना अब देखो कोई भी इस गेम में दूसरे को मार सकता है लेकिन जब बात आती है कि वो आपको टारगेट करके आया हो तो भाई कहीं ना कहीं आपका भी खून खौल उठता है और फिर तो बस यही है कि अब इनको भाई मतलब अपना बदला तो लेना है। तो बस अब देखो ये बंदा हमें अभी तक नहीं पता था कि टारगेट हमको करके आया कि नहीं लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने इसकी आवाज़ सुनी माइक पे। अब बोलता है कि पूरी स्क्वाड लेके आया है तो मैंने बस माइक खोल के और मैंने बोला कि हाँ भाई अब आ चुके हैं पूरी स्क्वाड के साथ में तो चलो भैया मारो तुम हमको। अब देखो
ये वाले बंदे को तो तुम छोड़ ही दो, मतलब कि ये इस स्क्वाड का पहला बंदा है, ये पूरी की पूरी स्क्वाड भाई साहब, अभी तुम देखते जाओ भाई, ये पूरी की पूरी स्क्वाड गाइस टारगेट करके ही आई थी। तो हमने जैसे यहाँ पर इस बंदे को मारा तो हम लोग यहाँ से ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं, और मैं समझ चुका था ब्रिज कैंप हो सकता है, इसलिए हम दो दो के स्प्लिट में चलेंगे। तो हमारा पहला डू आगे बढ़ चुका था एंड तभी उनको सामने से स्प्लिट पड़ता है। तो हमने क्या करा, अपनी गाड़ी यहाँ रोक दी और डिसीजन लिया कि हम लोग पैदल ही चलेंगे। अब इसके बाद मेरा टीममेट बता रहे थे कि इधर शायद कोई है, जब मैंने जो स्प्रे दिया तो वहाँ सही में एक बॉट था, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं। और अब बढ़ते हैं बंदों की तरफ। तो यहाँ मैं पॉल ने एक बंदे को नॉक किया और वो मेरे से बात करना चाहता, और जैसे हम इसके पास आए एक कहावत सुनिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब ये बंदा नॉक पड़ा था, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन हमने उसको भी भाई साहब वहीं पे छोड़ दिया। और इधर आते ये देखो भाई, ये पता नहीं बॉट था कि बंदा, लेकिन जिस हिसाब से छुपके खड़ा था वो गलत तरीका था। अब जैसे हमने इस बॉट या बंदे को मारा तो हम लोग आगे आते हैं एंड तभी सामने आती है एक बाइक, और ये देखते जाओ अभी, तुम अभी देखते जाओ ना कि ये कौन से बंदे हैं, ठीक है। जस्ट आगे ये विनू के, अब मैंने यहाँ पर एक गैंड की पिन खींच ली एकदम मुंह पे फेंकने के लिए, जैसी फेंका एक बंदा नॉक और दूसरा भी बहुत ज्यादा लेट था। अब यहाँ टीम बताती है कि ये वही बंदे जिनको कि हमने अभी मारा, मतलब मैं समझ गया कि कैसे भाई ये इतनी जल्दी रिकॉल कैसे हो गए। तो तुम यहाँ देख रहे हो ये बंदे कितने ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है मारने के लिए कि भाई बिना लूटे वापस आ गए। और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने देखिए कूप खड़ी है पता नहीं क्यों, लेकिन जब कोई नहीं निकला तो वापस निकलता हूँ, और तभी नाम याद है गाइस ये कौन सा बंदा है, ये वही पहला बंदा है जब मैं अपना बैग खाली कर रहा था और तब इसने मारा था, वहां पर ये अकेला कैंप कर रहा था और यहाँ भी ये अकेला ही कैंप कर रहा था। तो गाइस ये तो भाई हमारा इस टीम से एक रिवेंज था, लेकिन आगे भाई सब और भी खतरनाक फाइट, और अभी तो एक्सूट वाले का भी पता नहीं है भैया वो कहाँ पर है। तो ठीक है गाइस अभी आगे चलते हैं, और जब तक आप लोग आगे पहुँचते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से वालेक्स बैट के बारे में। जैसा कि अभी आईपीएल अभी भी चल रहे हैं और आप लोग अभी भी प्रिडिक्शन करके पैसा अर्न कर सकते हैं, बस आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी टीम आज जीत सकती है। यही नहीं, आप चाहो तो ई स्पोर्ट्स भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। और हाँ, अगर आप जब यूज़ कर ही रहे हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना, जिससे आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 26,000 का बोनस मिलेगा, जिसको आप अपने बैटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको लिंक एंड अपना जो प्रोमो कोड है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अब तुम यहां देखो, अब देखो ये वाले पुलिस स्टेशन पे हमेशा आपको बंदे मिल ही जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसे हुआ, जैसे हम लोग यहां पर आए हमें एक बंदा देखा, उसको हमने नॉक किया, आगे बढ़ते रश करके। लेकिन भाई एक यूजी वाला बंदा था यहाँ पर जो अपनी टीम को कवर दे रहा था। लो अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से गेंद मांगी क्योंकि मेरे पास गेंद नहीं थी, लेकिन तभी यहाँ एक डासिया जाती है। अब मैंने सोचा कि अब गेंद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर नॉक कर भी दूंगा ना तो वो रिवाइव हो जाएगा जितने की हम रश करेंगे, और कुछ समझ नहीं आ रहा डासिया में कितने बंदे, क्या पता वो दूसरी स्क्वाड के, इसीलिए छत पे आते हैं पहले। अगर उस बंदे को थोड़ा सा और लॉन्ग स्प्रे दिया होता तो मे भी शायद वो नॉक हो जाता, अगर उसे हेड कनेक्ट होते तो। अब यहाँ पर काफी देर टैप टैप करने के बाद मैं समझ गया यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्यों ना मैं रोटेशन दूँ। अब जैसे ही मैं रोटेशन देता हूँ, मैं थोड़ा सा लॉन्ग रोटेशन देता हूँ, क्योंकि बंदे आजकल बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, चलती गाड़ी से तो यूं सेकंडों में उतार देते हैं। और यहाँ पॉल ने कर दी एक मॉली और जिससे हो गया एक बंदा नॉक, तो ये बहुत ही अच्छा मौका था रश करने का। हमने गाड़ी घुमाई सीधा घुसते हैं, नॉक वाला तो फिनिश हो गया लेकिन एक बंदा अभी बचा हुआ था। फाइनली बंदा घर में गया, मैं गेंद की पिन खींचता हूँ, घर में ही फेंकता हूँ।
भाई साहब इसने पॉल को लो कर दिया था, पॉल कवर में था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि पीछे से मैं भी आ चुका हूँ। तो भाई यहाँ पर इस वाली टीम को मारने के बाद में अब हमें सिंपली जोन में जाना था। अब जोन में जैसे हम लोग जा रहे थे सामने दिखता है एक ड्रॉप, और ड्रॉप के पास थी एक गाड़ी, और देखो भाई साहब भाई पूरी की पूरी स्क्वाड लो थी और सारे के सारे यहीं रुक जाते हैं। लेकिन हाँ अब तक तो उन्होंने फर्स्ट किट लगा भी ली होगी। अब यहाँ एक टीममेट नॉक था, मैं उसको रिवाइव देता हूँ, लेकिन एक लास्ट बंदा और बचा था जिसको मारने के बाद में ये टीम फिनिश हो जाती है। हम लोग आते हैं ड्रॉप की तरफ, क्योंकि हम लोग को ड्रॉप भी लूटना था, हेलमेट वाइज में अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी। जैसे ही ड्रॉप लूटा तभी सामने पता चलता है कि और भी बंदे हैं। और सही में सामने बंदे स्पॉट होते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक इतना ओपी ग्रेनेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं ठोका तो देखो, ये बंदा दो सीट लगा लेता है, एक आगे और एक पीछे, और उसकी ग्रेनेड एकदम बीचों बीच। जैसे इसको नॉक फिनिश किया तभी अभी ऊपर हिल पे बंदे निकले हुए हैं, उधर उधर हिल पे बंदे। हाँ वो फिनिश हो गया भाई साहब को एक हेड पड़ी थी। अरे लेटा हुआ जो टैप कर दो, लेटा हुआ जो और फाइनली यहाँ एक टीममेट ने भाई एक नॉक निकाल दिया, और ये नॉक हमारे लिए काफी था रश करने के लिए। बस उठाई गाड़ी और सीधा देखो बंदों को ठोकते हैं। अब यहाँ पर इस टीम के दो ही बंदे बचे थे, और जो कि सामने घरों में थे और जिनको अभी जोन में निकलना था, इसीलिए हम लोग आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे इंतजार करके। और जैसी बग्गी आती है ड्रॉप लूट लेता ना भाई, बंदा बहुत ही ज्यादा लेट। अब गाइस ऑलमोस्ट पूरा मैच खत्म होने वाला है, लेकिन हमें वो एक्स सूट वाला बंदा नहीं मिला, तो मुझे शायद लग रहा है कि वो कहीं मारा गया है, क्योंकि किल फील्ड में काफी देर से उसका नाम भी नहीं आया। तो मार रहा था ना, नहीं मारना पड़ेगा क्या? अब यहाँ पर हमारी टीम स्प्लिट हो चुकी थी, और जो कि हमको नहीं करना था, दो टीममेट अलग गए। और यहाँ तो मेरे मुंह से जो किल निकाला ना पॉल ने, क्या ही बताओ तुम लोगों को। और जब किस्मत आपकी खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। हम बस रश करने वाले थे वॉच टावर पे, तभी देखो ओपन में गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, और ये थी एक बुरी निशानी। ये बिलेट अभी देखते जाना गाइस, क्या बुरी किस्मत है हमारी। प्रिडिक्शन तो कहीं ना कहीं अच्छी लगाई मैंने कि हाँ वो उसी विंडो से देखेगा, बट लेकिन मेरे हिसाब से तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जैसे ही मरा भाई ऑल पे पहुंचा, ऑल पे भाई कुछ गंदी मक्खियां भिन बना रही थी। मैं मतलब हर बार वही बोलता हूँ कि अगर देखो ये गेम है गाइस, आप मार देते हो कभी मुझको, कभी मैं किसी को मार देता हूँ,
तो इसमें इतना ईगो हर्ट करने वाली क्या बात है भाई, ये गेम है, देखो कोई ना कोई तो मरेगा, ठीक है। तो अगर गेम को ये सोच के केवल माँ बहन की गालियाँ देने के लिए बैठे रहोगे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ लोग मतलब जिनको हमने मारा होगा तो वो काफ़ी देर से बैठे थे और जैसे ही मर जाता हूँ तो बस खुशियाँ मना रहे थे। मतलब एक चीज़ पता है, ये बंदे ये नहीं सोचते कि भाई 20 किल करने के बाद मैं यहाँ पर मरता हूँ। अब कोई ना कोई गलती तो भाई करेगा, चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो। अगर हम ई स्पोर्ट्स में भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखते हैं तो वो भी गलतियाँ कर ही बैठते हैं। मैं खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनसे, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि गलतियाँ तो सबसे होती ही होती हैं। और यहाँ पर तो हमारी किस्मत भी ख़राब थी, गाड़ी का मतलब फ्यूल खत्म हो रहा वो भी ऐसे टाइम पर, और बंदे इतने सारे लेट, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो ठीक है गाइस, यार आई होप आपको ये आज का गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अब अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, अगर शेयर ना कर पाओ तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए काफ़ी रहेगा। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो 1xBet, और अगर आप लोगों प्रेडिक्शन करना वगैरह मतलब अच्छा लगता है तो, अगर जैसे कि आजकल IPL भी चल रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बोनस कोड जरूर यूज़ करना, तभी आपको थोड़ा बहुत फायदा भी हो पाएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइस, बाय बाय।